दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे अधिक अगर कोई पुस्तक पढ़ी जाती है तो वह है पवित्र बाइबल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी बाइबल कौन सी है, जो आज के हमारे आधुनिक बाइबल से बहुत ही अलग है? आइए आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पुरानी बाइबल के बारे में चर्चा करते हैं और यह भी जानते हैं कि उसे आधुनिक बाइबल से दूर क्यों रखा गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इथियोपियाई बाइबल का रहस्य। दोस्तों, अक्सर इथियोपिया के कलीसिया का स्थापना का श्रेय मृत्यु काम अध्याय 8 में बताया गया एक व्यक्ति को दिया जाता है, जो कुछ देश की रानी का मंत्री और खजांची था। लेकिन कुछ कलीसिया इसका श्रेय एक प्रेरित को देती है जो आज हमारे लिए अज्ञात है। रफीनी के चर्च संबंधित इतिहास के अनुसार कॉन्स्टेंट के समय की तरह शाही परिवार द्वारा मसीह को ग्रहण करने के बाद इनिस और ओडिसियस के दो जवान युवकों ने इथियोपिया की राजधानी एक्सम में प्रचार किया और बिशप अथानसियन से मुलाकात की, जिन्होंने उन दोनों की सहायता की और उन्हें इथियोपिया की कलीसिया में बिशप की उपाधि दी। इथियोपियाई बाइबल का इतिहास बहुत ही लंबे समय का और कॉम्प्लिकेटेड है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च और उसके धर्म ग्रंथों की उत्पत्ति का पता 4वीं शताब्दी ईस्वी के समय से लगाया जा सकता है, जब इन क्षेत्र में पहली बार मसीहियत की शुरुआत हुई थी। इथियोपिया में इन शुरुआती मसीहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बाइबिल प्राचीन ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, जो उस समय इथियोपियाई लोगों की भाषा हुआ करती थी। सदियों से इथियोपिया के कलीसिया ने मसीहियत का एक अलग ही संस्करण विकसित किया है, जिसमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी शामिल किया गया है। इनके बाइबिल में स्यूडो एपिग्राफा जैसे और भी पाठ शामिल है, जिन्हें अन्य ईसाई परंपराओं के सिद्धांत का हिस्सा नहीं माना जाता है। आज भी इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा व्यापक रूप से प्राचीन बाइबल का इस्तेमाल किया जाता है और इसे देश की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि इथियोपियाई बाइबिल और बाकी के बाइबिल में क्या अंतर है। दोस्तों, मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि इथियोपियाई बाइबिल में कई और भी पुस्तक शामिल है, जिन्हें अधिकांश कलीसिया के सिद्धांत का हिस्सा नहीं माना जाता है। इन पुस्तकों को स्यूडो एपिग्राफा या एपोक्रिफा कहा जाता है और इसमें हनोक की पहली पुस्तक जुबलीस, द विजडम ऑफ सिराक जैसी और भी कई पुस्तक शामिल है। इन्हें प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसीलिए शामिल किया गया था क्योंकि इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च इन पुस्तकों को महत्व देते हैं और यह भी मानते हैं कि इनमें बहुत ही मूल्यवान जानकारियां हैं। इसके अलावा एक और अंतर भी अभी है कि इथियोपियाई बाइबिल ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, जो इथियोपिया में बोले जाने वाली एक प्राचीन भाषा है, जिसका उपयोग दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं किया जाता है। यही कारण है कि यह बाइबिल अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे समझना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है जिन्हें इथियोपिया की भाषा नहीं आती है। यह भी एक कारण है जिसने इस बाइबिल को आज तक अपने ओरिजिनल रूप में बचाए रखने में मदद की है। इथियोपियाई बाइबिल बाकी के बाइबिल की तुलना में कुछ घटनाओं की व्याख्याओं में अंतर भी प्रस्तुत करती है। यह अंतर न केवल एडिशनल टेक्स्ट में है, बल्कि कैनन के अंदर भी पाया जाता है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च का कैनन अन्य मसीही परंपराओं से अलग है। उदाहरण के लिए, नैरो वर्जन में इथियोपियाई बाइबिल में 81 पुस्तक है। नए नियम की 27 पुस्तक और पुराने नियम की सभी पुस्तक, जो द एपोक्रिफल, एनोक, जुबलीस, द बुक ऑफ एजरा और मैकबीस की 3 पुस्तकों में शामिल है। जबकि एक्सपेंडेड इथियोपियाई कैनन के पुस्तकों की लिस्ट में चर्च प्रथाओं के 4 पुस्तक, नियम की 2 पुस्तक और इथियोपियाई वर्जन के क्लेमेंट और डिडास्कालिया का पत्र भी शामिल है। इथियोपियाई बाइबिल यीशु मसीह के बारे में क्या बताती है, आइए जानते हैं। जहां तक यीशु मसीह का सवाल है, मुख्य रूप से इथियोपियाई बाइबिल में भी वही कहानी प्रस्तुत है जो बाकी सब बाइबिल में पाई जाती है। लेकिन अंतर यह है कि कई घटनाओं को इसमें अलग तरीके से पेश किया गया है। इथियोपियाई बाइबिल में यीशु मसीह की कहानी उनके दुनिया में आने से पहले की भविष्यवाणी से प्रारंभ होती है और आगे फिर यीशु मसीह का जन्म, उनका जीवन, उनकी शिक्षा, चमत्कार, मृत्यु और फिर पुनरुत्थान है। इथियोपियाई कलीसिया का विश्वास यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार है और त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है और मानव जाति का मुक्तिदाता है। वे यह भी मानती है कि यीशु मसीह पूरा पूरा परमेश्वर है और पूरा पूरा मनुष्य बन के आया था। इसके अलावा वे उपवास और प्रार्थना को भी अधिक महत्व देते हैं।
इथियोपियाई बाइबल की एक और खास बात यह है कि इसकी पुराने नियम की पुस्तकें बाकी के बाइबल की पुस्तकों से थोड़ा अलग है। इथियोपियाई बाइबल के पुराने नियम की किताबों में पेंटाटेक की पुस्तक शामिल है, यानी कि बाकी के बाइबल की पहले 5 पुस्तकें जिनमें दुनिया की रचना की कहानी, इसराइलियों का इतिहास और परमेश्वर द्वारा दिया गया व्यवस्था और नियम पाया जाता है। इथियोपियाई बाइबल की सबसे पुरानी कॉपी मानी जाती है 2 मैन्यूस्क्रिप्ट को, जिसका नाम गरिमा 1 और गरिमा 2 है, जिसमें से गरिमा 2 ज़्यादा पुरानी है। उनका नाम संत अब्बा और गरिमा के सम्मान में रखा गया था, जिन्हें सुसमाचार की किताबों का श्रेय दिया जाता है। गरिमा की सुसमाचार को सदियों से संभाल कर रखा गया है। ये इतने पुराने हैं कि इनके पन्नों को सिला गया है ताकि वे इधर उधर बिखर नहीं जाए। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने बाइबल के खोज के बारे में। यह खोज शुरू होती है एक स्कॉटिश परिवार के व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम है जेम्स ब्रूस। जेम्स ब्रूस का परिवार चाहता था कि वह कानून की पढ़ाई करे, लेकिन उनकी कुछ अलग ही योजना थी। उनका एक सपना था कि वह नील नदी के सबसे पुराने स्रोत की खोज करने वाले पहला व्यक्ति बने। ब्रूस ने कई साल तक अफ्रीका में अपने सपने को पूरा करते हुए बिताया और आखिरकार उन्होंने नील नदी के सबसे पुराने स्रोत को खोज लिया। लेकिन इसी बीच उसने कुछ और भी खोज किया जो बहुत ही खास था। इथियोपिया में रहते हुए ब्रूस ने एक पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट देखी, यानी मानव द्वारा लिखावट, जो इथियोपियाई यहूदियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राचीन गीज भाषा में लिखी गई थी। ब्रूस को बताया गया कि यह पुस्तक बाइबल है। ऐसे देखा जाए तो इथियोपिया में यहूदी धर्म लगभग 3000 वर्ष पुराना है। जेम्स ब्रूस ने जब इथियोपियाई बाइबल को देखा तो बहुत ही अचंभित हुए। ब्रूस बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इथियोपियाई ग्रंथों में उन्होंने पाया सैकड़ों कहानियां ऐसी थी जो हमारे बाइबल में नहीं है। इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तकें हैं। कैथोलिक बाइबल ने कुछ पुस्तकों को हटा दिया और इसमें केवल 73 पुस्तकें हैं। किंग जेम्स बाइबल में इसमें केवल 66 पुस्तकें हैं। ब्रूस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे है कि पुराने बाइबल में इतना अधिक विवरण मौजूद है। जिन लोगों का आधुनिक बाइबल में केवल 1 या 2 बार वर्णन किया गया है, उनके पूरे जीवन, परिवार, उनके काम और दुष्टता को इथियोपियाई बाइबल में दर्ज किया गया है। दोस्तों, अब सवाल यह भी आता है कि आखिर इथियोपियाई बाइबल को आज के समय के बाइबल में क्यों नहीं शामिल किया गया है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि इथियोपियाई बाइबल में एडिशनल पुस्तकें शामिल है जिन्हें स्यूडो इपिग्राफा के रूप में जाना जाता है। स्यूडो इपिग्राफा ऐसे लिखावट हैं जिनका दावा किया गया लेखक सच्चा लेखक नहीं है, या जिनके वास्तविक लेखक ने इसे फैन फिक्शन की तरह अतीत के किसी आंकड़े के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अधिकांश मसीही समाज द्वारा स्यूडो इपिग्राफा को गैर विहित माना जाता है, यानी कि वे इसे बाइबल का भाग नहीं स्वीकार करना चाहते और इसीलिए इसे आधुनिक बाइबल में शामिल नहीं किया गया है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।